उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर। जी हाँ, वही गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर बन चुका है। और प्रसिद्ध हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी शहर से उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्यमंत्री जो मिला है। और अपने शहर को और ज्यादा प्रसिद्ध बनाने के लिए योगी जी ने ना जाने क्या क्या सपने देख रखे हैं। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। इस तहत गोरखपुर को कई नई योजनाओं की सौगात मिली है और काफी योजनाएं पूरी कर ली गई है और काफी योजनाओं को लेकर कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर एम्स, मेट्रो, लाइट एंड साउंड शो, चिड़ियाघर, 5-स्टार होटल से लेकर ऐसी कई नई योजनाएं गोरखपुर की किस्मत बदल रही है, जिससे लोग भी काफी खुश हैं। रामगढ़ ताल गोरखपुर का फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। वैसे गोरखपुर में टूरिस्ट के हिसाब से बहुत सारी जगह हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, बनती जा रही है। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने ट्रैवल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और गोरखपुर के जो लोकल लोग भी हैं वो यहाँ पे शाम को आते हैं, बैठते हैं, इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल भी हैं, पर टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आसपास पूर्वांचल और बिहार का आकर्षण का केंद्र जो है वो गोरखपुर धीरे धीरे बनता जा रहा है। गोरखपुर के लिए हम लोगों के लिए मुंबई के बीच की तरह है बिल्कुल, और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ के। क्या आप इसके डेवलपमेंट के पहले यहाँ पे विजिट कर चुके थे? जो चेंजेस थे, सफाई हुई है, काफी चीजें बदली हैं। बहुत सेटिस्फाई हैं इस चीज से। योगी जब से आए हैं यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि अगले 5 सालों में और ज्यादा हमारा गोरखपुर स्वच्छ और समृद्ध होगा। तो सुना आपने, इस बदलते गोरखपुर को देख लोग काफी ज्यादा खुश है और योगी जी की तारीफ करते नहीं थक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर दिन रात विकास की नई इबादत लिख रहा है। इतना ही नहीं, शहर के लोगों को वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और चिड़ियाघर की भी सौगात मिली है। टॉय ट्रेन है, राइनो, एशियाटिक लायन, तो ये सब ऐड करने के बाद इसकी कास्ट 257 करोड़ प्लस जीएसटी हो गई है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस चिड़ियाघर में काफी दूर दूर से पशु पक्षी आने वाले हैं, बात करें लखनऊ की या कानपुर की या पश्चिम बंगाल से, गुजरात की। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद विदेशों से भी कुछ जानवर आएंगे, तो जानवरों के बारे में कुछ बताइए। जानवरों के बारे में अभी तक जो जानकारी है वो गुजरात, बिहार, इन्हीं दो जगह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी और लगातार गोरखपुर में तेजी से विकास के काम चल रहे हैं। मतलब साफ है कि बहुत जल्द गोरखपुर योगी जी के सपनों का शहर बन जाएगा। R9 TV के लिए पूजा दुबे की रिपोर्ट।